नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का आलोकन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को विदित है कि अपन यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लगातार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी कड़ी में आज अपन और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि क्लास के अंदर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है मेरे भाई? चलो अगले नंबर पर क्वेश्चन वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे और एक एक क्वेश्चन का हमें आंसर करना है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, सबसे पहले भारत पाक बॉर्डर, क्वेश्चन है भारत पाक बॉर्डर पर तैनात हेलीकॉप्टर का नाम है। आपको पता होना चाहिए कि भारत पाक बॉर्डर, इसके अंदर वो बात कर रहा है जोधपुर एयरबेस की। जोधपुर एयरबेस पे 2018 जो भारत का पाकिस्तान से जो हिस्सा लगता है उसकी ये बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का एक हेलीकॉप्टर ध्रुव, ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये सैनिक क्षेत्र में भी कार्य करता है, देन दूसरा सैनिक क्षेत्र में भी काम करता है और सिविल क्षेत्रों में भी ये कार्य करता है। सिविल का मतलब है जैसे कि आपदा प्रबंधन जैसी स्थितियों में भी इस हेलीकॉप्टर का आर्मी के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो आर्मी एवं सिविल दोनों सेक्टर में काम करता है। जैसे कहीं क्षेत्र में बाढ़ वगैरह आ जाती है या कुछ ऐसी त्रासदी वगैरह जब हो जाती है तब वहां पर इस ध्रुव जो हेलीकॉप्टर है इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आर्मी वाले जो सैनिक होते हैं उनको हेलीकॉप्टर में चढ़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी ध्रुव से ही दी जाती है। तो इस ध्रुव का एक अपडेट वर्जन है, इससे अच्छा एक बनाया, उसका नाम है दोस्तों कौन सा? रुद्र। उसका नाम कौन सा दोस्तों? रुद्र। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि भारत पाक बॉर्डर पर तैनात हेलीकॉप्टर का नाम है दोस्तों रुद्र, जो जोधपुर एयरबेस में 2018 के अंदर स्थापित किया गया था। ये चीज आपको क्लियर रखनी है कि साहब ये हेलीकॉप्टर इस तरीके से है, तो जोधपुर एयरबेस की वो बात कर रहा है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एक। अगला क्वेश्चन, मिराज का संबंध किस देश से है? मिराज एक फाइटर प्लेन है, ध्यान से सुनना कि मिराज क्या है, एक फाइटर प्लेन है जिसे मिराज खाने का भी होता है, बिल्डर भी है मिराज, बहुत सारी चीजें, तो एक ग्रुप भी है बहुत बड़ा मिराज। तो मिराज क्या है? एक फाइटर प्लेन है। ये बात पहले तो आप ध्यान रखना कि मिराज क्या है दोस्तों? एक फाइटर प्लेन है। अच्छा, ये जो फाइटर प्लेन है आपको पता है कि 14 फरवरी 2019 को एक अटैक हुआ, उस अटैक का नाम था पुलवामा। कौन सा अटैक था दोस्तों? पुलवामा। इस पुलवामा अटैक जब किया गया तो ये जो पुलवामा अटैक हुआ ना भाई, पुलवामा अटैक ध्यान से सुनना, ये जो पुलवामा अटैक हुआ ये अटैक किसने किया? पाकिस्तान का एक सरगना है जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद करके एक सरगना चलता है, उसके द्वारा ये किया गया, ठीक है? अच्छा, तो भारत ने, अब देखो भारत में क्या होता है कि कोई आदमी मर जाता है तो 12 दिन तक कोई काम होते नहीं है, तो 14 से 26 फरवरी तक, मतलब 12 दिन तक, मतलब कितनी तारीख को? 26 फरवरी 2019। ये 26 फरवरी 2019 जो है इस दिन भारत ने इस मिराज नामक फाइटर प्लेन, ध्यान से सुनना, ये जो मिराज फाइटर प्लेन है इससे पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। क्या की थी दोस्तों? एयर स्ट्राइक की थी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो ये जो एयर स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक कब करी थी? 26 फरवरी 2019 जो पुलवामा अटैक था इसमें जब भारत के ऊपर हुआ तो इसके खिलाफ भारत ने ये एयर स्ट्राइक करी और उस एयर स्ट्राइक में मिराज का प्रयोग किया। मिराज एक फाइटर प्लेन है, पुरानी तकनीक से बना हुआ है सॉरी, और ये किस देश का है दोस्तों? फ्रांस का है। तो ध्यान रखना, ये एक नंबर का जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि मिराज का संबंध किस देश से है। तो दोस्तों मिराज का संबंध है वो किससे है मेरे भाई? फ्रांस से है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि मिराज का संबंध किससे है दोस्तों? फ्रांस से। तो ये बात ऑल क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो, तो मिराज का संबंध किस देश से है मेरे भाई? फ्रांस से, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एक, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु, पहाड़ों की
पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करने हेतु किस उपकरण का उपयोग करते हैं? रडार, सोनार, लाइडार या सभी? अब आप मुझे बताओ, जब हमें पहाड़ों की ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लाइडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जब मैं डियर बात करता हूँ रडार की, तो रडार के अंदर कौन सी तरंगे हैं? रेडियो। सोनार के अंदर कौन सी तरंगे हैं? ध्वनि। लाइडार के अंदर कौन सी तरंगे हैं दोस्तों? प्रकाश। और ध्यान रखना सबसे अच्छी बात कि ये जो ये सब किस पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, परावर्तन पे काम करते हैं। तो पहाड़ों की ऊंचाई यदि हमें ज्ञात करनी है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? अब देखो, सोनार जो है, आपको इसके बारे में पता है कि सोनार जो है, ये जो सोनार है ये समुद्र के अंदर, कोई चीज ढूंढनी है तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? सोनार का प्रयोग करते हैं। समुद्र के अंदर कोई यदि बात होती है तो उसके अंदर बात करते हैं हम किसकी? सोनार की बात करते हैं। समुद्र के अंदर कोई, जैसे पनडुब्बी को खोजना हुआ, चाहे कोई भी काम हुआ हो, सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सोनार का प्रयोग करेंगे। अब जो रडार होती है एयरपोर्ट पर निगरानी करने के लिए, युद्ध पोतों की निगरानी करने के लिए, उनके लिए हम बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? रडार का प्रयोग करते हैं। ये बात भी क्लियर हो गई। अब बचा कौन सा? लाइडार। लाइडार जो होता है ये पेड़ पौधों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए या घने जंगलों में किसी चीज को ढूंढने के लिए जब प्रयोग करते हैं, हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? लाइडार का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधों के संदर्भ में या घने जंगल है, घने वन है, उसके अंदर हम प्रयोग किसका करते हैं दोस्तों? लाइडार का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया डियर? दो। अगला, रडार भारत ने किस देश से आयात की थी? चलो बताओ। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता भी होना चाहिए, देखो ऐसी छोटी छोटी बातों का, कि ग्रीन पाइन रडार जो है भारत ने किस देश से आयात की थी। तो बेटा ग्रीन पाइन रडार की जब मैं बात करूं तो सबसे पहले ध्यान रखना 26/11 हमला, 26/11 जो मुंबई हमला हुआ, 26/11 जो मुंबई हमला हुआ ना, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। 26/11 में हमला हुआ तो फिर भारत की जो खुफिया एजेंसी है, उन एजेंसियों ने क्या किया, भारत के इसरो और डीआरडीओ इन दोनों पर उंगलियां उठा दी। भारत ने क्या किया, इसरो और डीआरडीओ, इस पर जो भारत की खुफिया एजेंसी, उन्होंने उंगली उठा दी इसरो डीआरडीओ पे, और ये कहा कि साहब एक बात बताओ, इसरो डीआरडीओ पे उंगली ये उठाई कि आप एक बात बताओ, चलो ठीक है आप कह रहे हैं हम इस चीज को मान रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि साहब आप कह रहे हो हमने मान ली सारी चीजें, लेकिन आपने, इन्होंने हमारे लिए कोई संसाधन नहीं जुटाए, ना तो इसरो ने कोई उपग्रह छोड़ा जो हमें जासूसी का कार्य करे, ठीक है, ऐसा कोई उपग्रह नहीं है, और ना ही डीआरडीओ ने कोई भारत के लिए ऐसा कोई रडार लगाया जो हमें इंफॉर्मेशन दे सके, और ये 26/11 जो हमला था ये इसरो और डीआरडीओ के माथे पड़ गया। तब ये जो इस भारत की जो बड़ी एजेंसियां हैं, जो बड़े स्तंभ हैं इसरो और डीआरडीओ, ये दोनों चले जाते हैं इजराइल के पास। कौन सा देश है मेरे भाई? इजराइल। कौन सा है? इजराइल। ध्यान से सुनना सारी कहानी। ये इजराइल के पास गए और इन्होंने अपना दुख इजराइल को बताया, इसराइल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारे हैं, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो इसराइल ने क्या किया दोस्तों, भारत के लिए इसरो को, ये इसराइल था जब भारत इसके पास गया था, तो इसराइल ने भारत के एक तो इसरो और डीआरडीओ इन दोनों के लिए मदद करी। ध्यान से सुनना, इसरो के लिए भारत ने क्या किया, मैं आपको बता दूं, एक उपग्रह दिया, वो रीसेट। कौन सा उपग्रह दिया? रीसेट। रीसेट का मतलब होता है जासूसी का उपग्रह। और डीआरडीओ के लिए इजराइल ने दी एक रडार, उस रडार का नाम है ग्रीन पाइन रडार। कौन सी रडार है डियर? ग्रीन पाइन रडार। ग्रीन पाइन रडार दी, और ग्रीन पाइन जो रडार है ये अपने स्थान से 6,000 किलोमीटर तक दूरी तक
चीजों के बारे में पता लगाने में सक्षम है। और इसे समुद्र के तट पर लगाया गया भारत ने इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 6000 किलोमीटर तक भी ये काम करने का सक्षम है। और रीसेट जो था, ये रीसेट सेकंड इसको नाम दिया गया, क्योंकि रीसेट फर्स्ट के नाम से भारत खुद जासूसी का उपग्रह बना रहा था। तो कहीं भी यदि आपको रीसेट दिखे तो आपको सब ध्यान रखना, क्या सब ध्यान रखना दोस्तों, जासूसी सब ध्यान रखना है, ये चीज आप क्लियर। तो बात क्लियर हो गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया बेटा, दो हो गया, इजराइल की। ग्रीन पॉइंट रडार भारत ने किस देश से आयात की थी बेटा, इजराइल से आयात की। तो बात ऑल क्लियर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला है युद्धपोत वारशिप की निगरानी हेतु किस रडार का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ रहा है कि युद्धपोत की निगरानी के लिए कौन सा रडार प्रयोग करते हैं। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि युद्धपोत होते क्या है, कि साहब कितने बड़े होते हैं, क्या होते हैं, वो चीज अपन बात करते हैं। तो समुद्र के अंदर जैसे स्थल पर अगर युद्ध करते हैं तो वो सबसे तीन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास कितनी सेना है टोटल, एक जल सेना, एक थल सेना और एक है डियर वायु सेना। जो जल सेना है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इसके पास वारशिप ही होता है युद्धपोत। और जो थल सेना है, ये जल सेना, ये थल सेना, एक वायुसेना होता है दोस्तों टैंक, और वायु सेना जो होता है इसके लिए होता है फाइटर प्लेन, फाइटर प्लेन। भाई वायु सेना के लिए क्या होता है, फाइटर प्लेन। अब ये देखो, ये वायु में हवा उड़ता रहता है, ये स्थल पर चलता है, चाहे सड़क हो, चाहे पहाड़ हो, कहीं भी हो, ये सब जगह चले। देन ऐसे ही होता है एक युद्धपोत। अब जो हमारे ऊपर अटैक हुआ, जिसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया इसमें कि साहब हमारे युद्धपोत की निगरानी नहीं कर पाए इसलिए हो गया, तो बेटा इस युद्धपोतों में युद्ध जल के अंदर होगा और समुद्र की निगरानी के लिए हमने एक रडार को लगाया है, उस रडार का नाम है अर्पणा। उस रडार का नाम क्या है डियर, अर्पणा रडार है, जो कि युद्धपोत की निगरानी के लिए जाना जाता है। और यह समुद्र के किनारे मुंबई के तट इसको लगाया गया कि समुद्र के अंदर कोई आते जाते युद्ध पोतों का क्या रखे दोस्तों, ध्यान रखे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है युद्ध पोत वाला। तो ये चीज भी आपको क्लियरली ध्यान रखनी है कि साहब युद्ध पोत किस श्रेणी के अंदर आता है, तो युद्ध पोत इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है भाई। तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इरमा रानी और रश्मि ये क्या है दोस्तों, एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट पर निगरानी करने का काम करती है इरमा रानी रश्मि, ये भी क्या है भारत की रडार है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो अर्पणा युद्धपोत के ही संदर्भ में जुड़ी है और युद्धपोत भारत के पास है, जैसे आपने नाम सुना होगा विराट, विक्रमादित्य, है ना, विशाल, ये नाम सुने होंगे, है ना। तो ये भी एक चीज है, तो ये आप जानते होंगे। चलो अगला, INS विराट का पुराना नाम है, आपको बताना है कि INS विराट जो था इसका पुराना नाम HMS हरक्यूलिस, HMS रॉयल, HMS हरमीज, HMS साई। तो देखो विराट, HMS हरक्यूलिस जो है ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन के अंदर एक नेवी चलती है रॉयल नेवी जिसे बोलते हैं, ये रॉयल नेवी के अंतर्गत था और इसको भारत ने वहां से खरीदा था। और इस HMS हरक्यूलिस का नाम ही भारत ने क्या रखा, विराट रखा। HMS एक विशाल भी है, INS विशाल, जिसका नाम HMS हरमीज जो है ये विशाल के साथ कनेक्ट है। HMS हरमीज किसके साथ है, विशाल के साथ कनेक्ट है। और एक और है जिसका एडमिरल गार्स्को, जिसका 2016 में क्वेश्चन आया था, कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा ए। अब थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन अच्छे से देखते हैं कि एक होता है एडमिरल गार्स्को, एक कौन सा है एडमिरल गार्स्को, कौन सा है मेरे भाई, इसका नाम है एडमिरल गार्स्को। ये जो एडमिरल गार्स्को जो है ये बेटा भारत ने रूस से खरीदा,
और रूस से खरीदने के बाद इसका नाम रखा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य रखा। और इसका एक नाम और है, उपनाम जिसे बोलते हैं, इसका एक उपनाम है, वो उपनाम है भूखा। क्या नाम है दोस्तों उसका? भूखा नाम है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना कि उसका नाम है क्या है दोस्तों, भूखा है। तो भूखा के नाम से भारतीय सेना इसको उपनाम देती है, भूखा के साथ, भूखा के नाम से हमारे इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये चीज भी आप अच्छे से ध्यान में रखना कि भूखा किसका नाम है, तो विक्रमादित्य का नाम है भूखा। ये हमारा विक्रमादित्य है जो हमने रसिया से खरीदा है, मतलब रूस से खरीदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बजाज मोटरसाइकिल में किस विमान वाहक के इस्पात का युद्ध उपयोग किया गया? मतलब बजाज जो मोटरसाइकिल है उसके अंदर एक विमान वाहक है, तो उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया? तो आप बताइए, बजाज जो गाड़ी है इसके अंदर एक इस्पात का प्रयोग हुआ है और वो भारत का युद्ध पोत है। युद्ध पोत में भी कौन सा है? विमान वाहक। तो सबसे बड़े होते हैं, जिनका आकार जो होता है वो फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है उससे कहीं ना कहीं 3 गुना बड़े होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल का ग्राउंड जो फुटबॉल होती है उससे ज्यादा बड़ा होता है, उस पर फाइटर प्लेन भी रुके रहते हैं, एयरपोर्ट भी बना रहता है, उस पर लाखों आर्मी के लोग पड़े रहते हैं, उस पर बहुत सारी राशन सामग्री होती है, मतलब एक बड़े स्तर की चीजें उस पर बहुत होती है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आप बताइए, बजाज मोटरसाइकिल, अभी देखो बजाज गाड़ी आई है, उसके अंदर एक गाड़ी आई विक्रांत, तो उस युद्धपोत है विक्रांत के इस्पात का क्या किया गया है दोस्तों? प्रयोग किया गया है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना कि विक्रांत के इस्पात का क्या किया गया है दोस्तों? प्रयोग किया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो यह चीज भी आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है कि साहब ये मामला इस तरीके से है। तो ये लो साहब, ये इस्पात हो गया। चलो अगला, विशाल डी कमीशन कर दिया, डी कमीशनड। एक चीज ध्यान रखना, डी कमीशनड का मतलब क्या होता है? आपको वहां पर एक शब्द मिलेगा डी कमीशनड, तो आप टेंशन में चले जाएंगे, साहब डी कमीशनड क्या होता है? डी कमीशनड का सीधा सीधा मतलब होता है सेना से हटा देना। डी कमीशनड का मतलब क्या होता है डियर? सेना से हटा देना, ये डी कमीशनड का मतलब होता है। सेवा से मुक्त, सेवा से मुक्त कर देना या सेवा समाप्त हो जाना या उसकी सेवा समाप्त होना भी डी कमीशनड के अंतर्गत माना जाता है। मतलब कोई सेना के अंदर था और फिर उसको हमने क्या किया कि सेना में से हटा दिया, वो हमारा डी कमीशनड के अंतर्गत माना जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि साहब डी कमीशनड हो गया तो मतलब सेना से हटा दिया, तो फिर उसका टंटाई खत्म हो गया सिस्टम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो ये बात हो गई। अगला, भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक कौन सा है? आपके सामने एक बात आई, भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक। देखो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखो कि टैंक क्या है। टैंक भाई, टैंक थल सेना के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एकमात्र ऐसा साधन होता है जिसका हम सभी परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाहे बरसात में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे रेगिस्तान में, चाहे पहाड़ों पर, मतलब ऐसे मैं कहूं विदाउट व्हीकल ऑन रोड कि ऐसा साधन जिसको सड़क की आवश्यकता नहीं होती है वो कहलाता है क्या? टैंक। कि विदाउट व्हीकल ऑन रोड दैट इज क्या कहलाएगा मेरे भाई? टैंक कहलाएगा। क्या? टैंक कहलाएगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक कौन सा है? तो टैंक जो होते हैं ये डियर 3 प्रकार के, ठीक है? टैंक, अब टैंक देखो, स्मॉल बैटल टैंक, मीडियम बैटल टैंक और मैन बैटल टैंक, 3 है। स्मॉल बैटल टैंक, मीडियम बैटल टैंक और मैन बैटल टैंक, बेटा इनका ऐसे टैंक जिनका 35 टन से कम हो, 50 टन तक हो और 50 टन से अधिक हो, समझे मेरी बात को? ये ज्यादा
ये कम और ये 35 टन से कम। अब ये टैंकों की श्रेणी है। अब हम देखते हैं कि जो स्मॉल बैटल टैंक जो है इसमें भारत के पास कोई टैंक नहीं है। मेन बैटल टैंक में दो टैंक आते हैं, एक T-72 और एक T-90। एक का नाम अजय है और एक का नाम भीष्म है। ये दोनों के दोनों टैंक भारत ने रूस से खरीदे, अजय और भीष्म में। तो एक और तीन तो वैसे ही रसिया में चले गए। स्वदेशी टैंक की बात करता है मेन बैटल टैंक, और मेन बैटल टैंक में एक ही नाम आता है और वो नाम है अर्जुन। अर्जुन जो टैंक है ये भारत का स्वदेशी टैंक है, और इस टैंक के अंदर भारत ने बहुत सारी तकनीक का भी प्रयोग किया है, चाहे वो लेडर रेंज फाइटर हो, चाहे वो पैरामेडिक, कुछ भी, उन सारी समस्यातों को एक साथ ही प्रयोग किया गया है। तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है कि उसके साथ साथ कौन कौन सी चीजों का हमने साथ में प्रयोग किया है। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज के लिए ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? दो आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है मेरे भाई? दो। ठीक है, अर्जुन टैंक की भारत का स्वदेशी टैंक है जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बनाया। और एक बात ध्यान रखना, इसका जो वजन है 50 टन से ज्यादा है, इसलिए पूरे विश्व का सबसे भारी टैंक अगर हम बात करें भारी टैंकों में, तो वो कौन सा आता है? अर्जुन। और भारी होने के कारण इसकी जो गति है वो बहुत कम है। इसकी गति क्या है दोस्तों? कम है। चलो अगला, भारत की प्रथम एंटी टैंक मिसाइल। सबसे पहले तो एंटी टैंक का मतलब क्या होता है कि भारत के पास, जैसे मिसाइलों की मैं बात करूं तो पटना के नाम से भारत की मिसाइलें जानी जाती हैं, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, ये भारत की मिसाइलें हैं। इनको सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू एयर। ठीक है, सरफेस टू सरफेस में पृथ्वी और अग्नि दोनों इंक्लूड की जाती हैं, सरफेस सतह से सतह वार करने वाली। सरफेस टू एयर में एक त्रिशूल होती है और एक कौन सी होती है? आकाश। देन एयर टू एयर जो कि 5 अगस्त 2018 में क्वेश्चन आया था, इसको लेके जो RSPRI का एग्जाम जब हुआ तब ये क्वेश्चन उसके अंदर पूछा गया था, RSPRI के अंदर ये। तो यहाँ एक नाम आता है अस्त्रा। DM बात कर रहे हैं एंटी टैंक की, ऐसी मिसाइल जो फायर एंड फॉरगेट पे काम करती है, या वो मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो फायर एंड फॉरगेट पे काम करती है, या हीट गाइडेड मिसाइल जो होती है, उस तरह के मेथड की यदि मैं बात करता हूँ तो हम उस कंसेप्ट पे यदि हम डिस्कशन करें तो कि उसके अंदर कौन सी भारत की मिसाइल आएगी, तो आप ये क्लियरली ध्यान रखना उसके अंदर अपनी मिसाइल आएगी नाग। कौन सी मिसाइल आएगी दोस्तों? नाग मिसाइल आएगी। ये चीज आप क्लियरली ध्यान में रखना। कौन सी आएगी मेरे भाई? नाग मिसाइल है जो भारत की प्रथम एंटी टैंक मिसाइल है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एक, नाग। ठीक है, तो नाग इसका आंसर है। आकाश जो है सतह से हवा में, इनको आपको ऐसे कैसे ध्यान रखना है, कोई भी इधर उधर नहीं करना क्योंकि गलत हो जाएंगी चीजें। देखो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन सी मिसाइल कार्य करती है, अभी मैंने डिस्कस किया कि फायर एंड फॉरगेट की ऐसी मिसाइल जो तापमान पर कार्य करती है, जो एक बार छोड़ने के बाद अपने लक्ष्य को ही प्राप्त करती है, वो अपने लक्ष्य को इधर उधर परिवर्तित नहीं होती और वो लक्ष्य को ही भेदेंगे, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी स्थिति में हो, वो अपने लक्ष्य को भेद के ही मानती है। बीच में वो लक्ष्य को छोड़ना नहीं छोड़ती, वो लक्ष्य प्राप्त करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दागो और भुजाओ के सिद्धांत पर एक ही मिसाइल काम करती है, नाग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है मेरे भाई? एक आंसर है नाग मिसाइल। ये क्लियर हो गई। पृथ्वी अग्नि मैंने आपको बता ही दिया कि पृथ्वी और अग्नि जो है ये सरफेस टू सरफेस है, आकाश जो है ये सरफेस टू एयर है, और नाग जो है वो एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये बिल्कुल पूरी की पूरी एक सिक्वेंस है कि सिक्वेंस में ये सारी चीजें आ रही हैं, इसमें कोई आपत्ति कोई नहीं। चलो अगला प्रश्न, IGMDP परियोजना के निर्देशनकर्ता कौन है? अब साहब बात आती है IGMDP, इंटरग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटरग्रेटेड
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982 में स्टार्ट किया गया था। और आपको पता है कि भारत में मिसाइल का जो पहला प्रोग्राम था उसके निर्देशन करता था अब्दुल कलाम। डॉक्टर नंबी नारायण ने तो एक इंजन बनाया था, विकास इंजन, जो कि PSLV रॉकेट में प्रयोग किया जाता है। सतीश धवन स्पेस सेंटर है, इनके नाम से एक स्पेस सेंटर बनाया गया है श्रीहरिकोटा के नाम में, श्रीहरिकोटा। विक्रम साराभाई जो है भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक जो है वो कौन है? विक्रम साराभाई, डॉक्टर नंबी नारायण, ये नाम है। तो IGMDP में कौन आता है दोस्तों? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या है? IGMDP डेवलपमेंट प्रोग्राम के डायरेक्टर थे। अब बेटा ये जो प्रोग्राम था ना, ये दो तरीके से आया। एक में तो इसमें डेविल मिसाइल की बात हुई थी, और एक डेविल और वेलियंट। अब बेटा डेविल की मैं बात करूं तो डेविल के अंदर तो कम दूरी की थी, वेलियंट में कैसी थी? अधिक दूरी की। तो पहले कौन से प्रोग्राम को अंजाम दिया? डेविल को। बाद में 2016 से किसको लाए? वेलियंट को। तो ये पूरी की पूरी सिक्वेंस हो गई। तो मतलब इसमें ये है सारी चीजें थी, इसके अंदर कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं, इसके अंदर ये चीजें प्रॉपर तरीके से हो गई। चलो अगले बिंदु पर चलते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है IGMTP के अंदर? बेटा ए आंसर है, मतलब ए यानी वन। ये ए और वन का ज्यादा कोई इशू है नहीं, मतलब आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि साहब ए और वन कोई अंतर है कि साहब। नहीं नहीं साहब, अगला देखो, भारत की प्रथम स्वय प्रणोदित मिसाइल। देखो सबसे पहले स्वय प्रणोदित का मतलब क्या होता है? तो देखो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि साहब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पूर्ण ईंधन भरने का कार्य करता है? इसका आंसर बताना है कि भारतीय सेना का कौन सा वायुयान विमान है जो पुनः फ्यूल भरने का काम कर लेता है? वो विमान भारतीय सेना के पास कौन सा है, कैसे भरता है? तो आपको पता है कि CJ सुपर हरक्यूलिस विमान है, C-30J सुपर हरक्यूलिस जो विमान है डियर, ये जो है ईंधन भरने की क्षमता रखता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो कौन सा होगा मेरे भाई? दो, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत ने BARAK-8 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन किस देश के सहयोग से विकसित की? देखो ध्यान रखना, भारत ने और इजराइल ने, ध्यान रखना, भारत ने और इजराइल ने एक मिसाइल तैयार की, और वो जो मिसाइल है BARAK-8 के नाम से, वो भारत और इजराइल दोनों देशों का एक कॉम्बिनेशन है, मतलब एक जॉइंट एवेंचर है, जिसे पाकिस्तान की बाबर मिसाइल के काउंटर करने के लिए बनाया। ठीक है, तो ये मिसाइल कौन सी है डियर? BARAK-8 मिसाइल है ये रही साहब। कौन सी मिसाइल है ये? BARAK-8 मिसाइल।
और ये जो बराक 8 मिसाइल है बेटा, ये बाबर मिसाइल को काउंटर करने के लिए बनाई, और बाबर मिसाइल कौन से कंट्री की है? पाकिस्तान, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? 3 हो गया डियर। क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? 3। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आपको ध्यान रखने पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? देखो, अब ऐसे बड़े क्वेश्चन आते हैं यूपीपीएससी वगैरह में, तो अग्नि 4 के बारे में बताना है, ना कि अग्नि 5। अग्नि 4 पर कंसल्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि धरातल से धरातल, तो अभी मैंने बताया था कि अग्नि की जितनी भी मिसाइलें हैं वो सरफेस टू सरफेस ही मारती हैं। तो पहली वाली लाइन तो प्रक्षेपास्त्र में मिसाइल होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, सही है या गलत है, ये चीज बड़े ध्यान रखना, क्यों गलत पूछ रहा है कि सही पूछ रहा है, कथन सही है कि गलत है, वो एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ये धरातल से धरातल पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, पहली बात क्लियर। इसमें केवल द्रव प्रणोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। अच्छा, यह 1 टन नाभिकीय वारंट को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। अब बताओ, सही स्टेटमेंट बताना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सही स्टेटमेंट बताना है कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, बताओ। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक सही है, पहला ए, क्योंकि ना इसमें द्रव, दोनों होते हैं, डबल चरण शूल होता है इसके अंदर। द्वित मतलब पहली बार भारत में जो अग्नि 4 थी, इसमें द्विचरणीय स्टेप का प्रयोग किया गया था, इसमें डबल चरण फ्यूल था, ये था। और 7500 किलोमीटर की इसकी दूरी नहीं है, 7500 में तो अग्नि 5 की श्रृंखला आती है, जबकि ये कौन सी है दोस्तों? अग्नि 4 है, तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा। अगला, C-130J सुपर भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जाना विश्व का अत्यधिक इलेक्ट्रो वायन, जो वायुयान बनाए जाते हैं, कौन से देश में बनाए जाते हैं? यूएसए में बनाए जाते हैं। ये सबको पता है कि ये हरकुलिस विमान जो है ये किसका है? कंट्री यूएसए का है। तो मतलब क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? 2। अगला, एडमिरल गार्सो क्या है? ये तो आया हुआ क्वेश्चन है 2016 में आरएसपी के अंदर, आरएसपी के अंदर। एडमिरल गार्सको रूस के नौसेना अध्यक्ष है, नौसैनिक विमानवाहक जहाज है, या वायुसेना का मुख्यालय है, या नौसैनिक संगठन है, क्या है ये, इसके बारे में आपको बताना है। देख, ध्यान रखना, एडमिरल गार्सको, मैं कहा कि एक विमानवाहक युद्धपोत है, मैंने क्या कहा? एक विमानवाहक युद्धपोत है, क्या है? एक विमानवाहक क्या है दोस्तों? युद्धपोत है, इसको ध्यान रखना। और ये जो विमानवाहक युद्धपोत जो है, ये भारत ने रूस से खरीदा और 2013 में भारतीय सेना को सौंप दिया था, गोवा के तट पर, गोवा के तट पे सौंपा। और इस एडमिरल गार्स्को का ही नाम विक्रमादित्य रखा। आज विक्रमादित्य की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा युद्धपोत है वो विक्रमादित्य, जो फुटबॉल के ग्राउंड से 3 गुना बड़ा है, वो कौन सा है बेटा? एडमिरल गार्स्को है, ठीक है? तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि एडमिरल गार्स को क्या है। लो, अब बताना, भारत द्वारा विकसित आईसीबीएम जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, वो किस नाम दिया गया? तो पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और अग्निशिखा। अब देखो, आईसीबीएम जो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, एक होती है एमआरबीएम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है आईआरबीएम और एक होती है एसआरबीएम। तो हम बात करें कि साहब 2000 किलोमीटर से अधिक, तो 2000 किलोमीटर से अग्नि सेकंड है और इसकी मारक क्षमता है 2250 किलोमीटर। अग्नि सेकंड की मारक क्षमता कितनी है डियर? 2250 किलोमीटर है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करते रहने, क्योंकि जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे तभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। तो ये भी एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी पड़ेगी कि साहब कौन सी बात किस तरीके से है। तो ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखो, ठीक है? अगला क्वेश्चन, तेजस क्या है? भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, रिमोट चालित विमान, सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायु विमान। तेजस जो है ये एक फाइटर प्लेन है, ध्यान रखना, तेजस एक फाइटर प्लेन है जिसे भारत ने बनाया, और भारत में जिसने बनाया वो कौन था? डॉक्टर कलाम।
डॉक्टर कलाम साहब जो थे उन्होंने इसको बनाया और इसका जो नाम 300 दिया वो अटल जी ने दिया। तेजस जो नाम दिया डियर वो किसने दिया मेरे भाई? तेजस नाम दिया था दोस्तों अटल जी ने। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि तेजस जो नाम है वो किसका नाम है मेरे भाई? अटल जी ने दिया 2003 में, 2002 एक की बात है, अटल जी ने इसको नाम तेजस दिया। और ये भारत का प्रथम लड़ाकू विमान है। आपको मैं बात बता दूँ ये एक सीट और एक इंजन वाला है, एक सीट व एक इंजन वाला है। और इसमें जो इंजन लगा हुआ है वो कावेरी का इंजन लगा हुआ है, कि अंदर जो इंजन है वो किसका है? कावेरी का इंजन है। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें कौन से इंजन का प्रयोग किया गया है। तो ये भी भारत का एक एक फाइटर प्लेन है मेरे भाई। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो फाइटर प्लेन है ये इसमें रामजेट, रैमजेट और स्क्रीमजेट जो तकनीक है उन तकनीकों का प्रयोग किया है, उन तकनीक की सहायता से चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से सर्कुलेट कर पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि साहब इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा आंसर है। ठीक है, तो ये कौन सा है मेरे भाई? तेजस है। अगला क्वेश्चन बताना, निम्नलिखित में से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया था? इनमें से बताना है कि कौन सा उड़ाया था। अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक, फाल्कन रूस तथा भारत को उपलब्ध कराई गई क्रूज मिसाइल, सरस्य स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री विमान, ऑपरेशन सीबर्ड, कारवाड़ में भारतीय नौसेना का नया अड्डा। बताइए, ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तीन आंसर। अगला क्वेश्चन, इंद्र क्या है? प्रक्षेपास्त्र, चालक रहित विमान, रडार या टैंक? इंद्र क्या है या इंद्रा, ऐसे लिखते हैं इंद्रा। इंद्रा के नाम से भारत ने क्या बनाई है? रडार। तो इंद्र जो है ये क्या है? भारत की एक रडार है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का आंसर होगा सी, कि इंद्र क्या है दोस्तों? एक रडार है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखें कि सी जो आंसर है अच्छे से ध्यान। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पुराने क्वेश्चन है वो ऐसे ही करना है। अब जैसे आपको कोर्स, जैसे थ्योरी पढ़नी तो कोर्स परचेज करना पड़ेगा, उस कोर्स पर उस वहाँ से आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ आप बहुत थोड़े ध्यान से रखें, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से करें तो कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं चलता हूँ और मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।